कृष्णा, मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने ज्योतिष ज्ञान के नाम से एक सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें बहुत ही बेसिक से लेके और एडवांस एस्ट्रोलॉजी तक पढ़ाएंगे। और अगर आप उस पूरी पार्ट्स को कर लेते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप एक अच्छे ज्योतिष बन सकें। अभी मैं पीछे आपको महादशा के बारे में बता रहा था कि जब ग्रहों की महादशा आती है तो इंसान की प्रकृति कैसे चेंज होती है। आगे मैं महादशा के और आपको फल बताता हूँ जो कि ध्यान रखने बहुत जरूरी है, और जिसके याद रखने से ही आपको ये मालूम होगा कि किस इंसान की क्या प्रकृति बन जाती है। सूर्य की महादशा हो तो क्या होता है, चंद्रमा की महादशा हो तो क्या होता है, ये सब चीजें आपको मालूम चलेंगी। पहले भी मैं आपको पॉइंट वाइज बता चुका हूँ इन सबके, लेकिन अब इनका मैं आपको एक डिटेल रूप बता रहा हूँ जो आपको मोटा मोटा याद रखना है ताकि आप प्रेडिक्शन कर सकें और प्रेडिक्शन करने में आपको कहीं भी कोई परेशानी ना हो। महादशा की बात मैं पहले कर रहा हूं, ये कि सूर्य की महादशा, अगर सूर्य अच्छा प्लेस जाए तो आदमी के अंदर अनुशासन रहेगा, ये हमने बताया था इसके अंदर, उसके अंदर तेजी रहेगी, पराक्रम रहेगा, गवर्नमेंट से उसके काम बनेंगे, कोई भी काम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से उसका होता है तो वो सारे काम उसके बन जाएंगे, कहीं किसी काम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर सूर्य कमजोर है, कमजोर मीन्स के सूर्य अगर 8वें 12वें भाव में बैठा हुआ है या सूर्य अनिष्ट स्थान में पड़ा हुआ है, तब क्या होगा? तब वो कहते हैं कि सूर्य अगर अनिष्ट स्थान में हो तो राजा का कोप होता है। राजा का कोप मतलब क्या हुआ? अब तो राजा रहे नहीं, अब तो गवर्नमेंट को राजा मानते हैं, तो गवर्नमेंट से कोप होता है। गवर्नमेंट को मीन्स ये होता है कि अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो कोई परेशानी हो सकती है आपको, आपको मीमो मिल सकता है, आपको चार्जशीट मिल सकती है, या आप कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं या गवर्नमेंट से काम आपका रहता है तो वो बनता हुआ काम आपका बिगड़ सकता है। राजा का कोप होता है का मतलब यही यहाँ पर हुआ। कुटुंब में रोग हो, भ्रमण कराए, जबरदस्ती का भ्रमण कराता है अगर सूर्य कमजोर हो जाए आपका कुंडली में, सूर्य अगर 8वें 12वें भाव में हो और साथ में पाप ग्रहों से त्रस्त हो या युत हो, तो ऐसे केस में ये सब चीजें हो जाती। अनुशासन की कमी हो जाती है, सूर्य जब अच्छा होता है तो अनुशासन देता है, लेकिन जब सूर्य विपरीत रिजल्ट हो जाते हैं उसके, अगर सूर्य खराब हो, गुप्त धन में प्रॉब्लम होती है, अग्नि का भय होता है और पुत्र और स्त्री को भी कष्ट होता है, और मनुष्य जो है वो वनों और पहाड़ों में ऐसे ही घूमता रहता है, मतलब प्रॉब्लम हो जाती है उसे। ये ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य आपकी कुंडली में कहाँ है। अगर सूर्य आपकी कुंडली में अच्छे भाव में है तो केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में है, तीसरे छठे 11वें भाव में है, तो आपकी कुंडली में सूर्य के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपकी प्रकृति बहुत ही अनुशासित प्रकृति होगी, इनर्जेटिक होंगे, आपके काम गवर्नमेंट से सारे बन जाएंगे, कोई किसी काम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चंद्रमा की महादशा की बात करते हैं, अगर चंद्रमा की महादशा में, चंद्रमा से महादशा में आदमी का मन जो है बड़ा प्रसन्न रहता है, कहते हैं चंद्रमा मनसो जाति, यानी चंद्रमा मन का कारक है। तो चंद्रमा अगर आपका वेल प्लेस्ड हो, पक्षबली चंद्रमा हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, लाभ भाव में हो, वेल प्लेस्ड चंद्रमा अगर आपका है तो सब प्रकार की कार्य सिद्धि होती है आपकी। कोई भी कार्य आप करने चलेंगे तो आपकी कार्य सिद्धि हो जाएगी, आपकी प्रवृत्ति ऐसी बन जाएगी कि आप कोई भी कार्य करेंगे सिद्धि हो जाएगी, कोई चीज याद करेंगे तो याद हो जाएगी, सुखपूर्वक भोजन आपको मिलेगा, स्त्री पुत्र आभूषण वस्त्र धन आदि के लाभ होगा। मतलब ये है कि आपको ये सब चीजें, आपका वैवाहिक जीवन, आपका पत्नी से संबंध, ये सब चीजें बहुत अच्छी अपने आप हो जाएंगी, और ये सारी चीजें ब्राह्मणों की कृपा आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। मतलब चंद्रमा की दशा में अगर आप रहते हैं और चंद्रमा आपका पक्ष बली है और अच्छे भाव में बैठा है, तो आपका मन बड़ा निर्मल रहेगा, मन बड़ा शांत रहेगा, इमोशनल क्वोशेंट आपका जो होना चाहिए वो रहेगा, आप बहुत जल्दी किसी की बातों से हर्ट नहीं होंगे, आपकी माता से रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे। और इसके विपरीत अगर चंद्रमा आपके गलत भावों में बैठा हुआ है, 6ठे 8वें 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो या लगन में भी बैठा हुआ है और पक्ष बली नहीं है, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है जो मैंने आपको बताई इसके साथ, कि इसका विपरीत प्रॉब्लम आपको हो सकती है। सिमिलरली आता है मंगल की महादशा, मंगल की महादशा में भी सेम यही चीज है। अब मंगल की महादशा यदि हो और मंगल केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में बैठा हो, 3रे 6ठे 11वें भाव में हो मंगल, जो ये उपचय भाव होते हैं इनमें अच्छा होता है, तो मंगल की महादशा हो तो ऐसे में राजा से धन प्राप्ति होगी। राजा कौन होता है? वही फिर गवर्नमेंट हो गया, कि गवर्नमेंट से धन प्राप्ति होती है, युद्ध आदि से धन प्राप्ति होती है। युद्ध आदि से मतलब कि कहीं आपका कोर्ट केस चल रहा है या कहीं आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है तो कोर्ट केस को आप विन कर जाएंगे,
कोर्ट केस विन कर जाएंगे तो आपको धन की प्राप्ति भी होगी। तो ये मंगल के उत्सव होता है, तो धनों का लाभ होता है इसमें सारी चीजों में। लेकिन अगर मंगल आपका कमजोर है, कमजोर कहाँ होता है मंगल, आठवें या बारहवें भाव में हो, वाम ग्रहों से ग्रस्त हो, तो आपको रक्त का प्रकोप हो सकता है, आपका किसी गलत स्त्री से संबंध बन सकता है, अपने संतान से, आपके अपनी पत्नी से आपका विद्वेष हो सकता है, आपका द्वेष हो सकता है, आप उनके साथ विरोध में रह सकते हैं, ये सब चीजें वहां हो जाती है। तो मंगल की दशा जैसे ही महादशा इंसान की आती है तो उसकी प्रकृति चेंज हो जाती है, उसकी प्रकृति बन जाती है कि वो मंगल अगर उसका अच्छा है तो वो एनर्जेटिक बन जाता है, पराक्रमी बन जाता है और उसके अंदर एक हमेशा एनर्जी भरी रहती है। लेकिन मंगल की दशा चोट फेंट भी देती है, अगर मतलब मंगल दशा में आदमी को चोट लगने के चांस भी होते हैं, तो जितने एडवेंचरस काम हैं, पैराग्लाइडिंग हुए या इस तरह के काम जो भी होते हैं, एडवेंचरस काम जो होते हैं, उनको करना अवॉइड करना चाहिए। अगर मंगल की महादशा चल रही हो तो वो काम थोड़े अवॉइड करने चाहिए, या व्हीकल बहुत तेज चला रहे हैं आप, तो कोई भी एडवेंचरस काम आपको थोड़ा अवॉइड करके करने चाहिए। बुध की महादशा, बुध की महादशा होती है, बुध राजकुमार कहा जाता है ग्रहों के मंत्रिमंडल में। तो राजकुमार कैसा होता है, खेलता खेलता हुआ होता है, हास्य व्यंग करता हुआ होता है, हंसी मजाक करता हुआ होता है, उसको देख के मन को प्रसन्नता होती है, तो ऐसे ही बुध होता है। बुध जो है, अगर बुध की दशा आपकी आ जाती है, बुध की महादशा आपकी आती है, तो आपका शरीर भी, आपकी प्रकृति भी ऐसी हो जाती है कि आप हंसना खेलना पसंद करते हैं, आप लोगों से व्यंग करना पसंद करते हैं, लोगों से मजाक करना पसंद करते हैं, आप सुंदर बन के रहना चाहते हैं, आपको यश प्राप्त होता है, लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, सब लोग आपको प्यार करते हैं, मनुष्य आप परोपकारी बनते हैं, ये सब चीजें आपको साथ होती हैं। और दूसरी बात यह कि जो बुध ग्रह होता है वो त्रिदोष का कारक है, मतलब वात पित्त और कफ, तीन तरह के दोष होते हैं, ये बुध ग्रह तीनों दोष को देता है, तो वो तीनों दोष से होने वाली बीमारियां भी आपको नहीं होती अगर बुध आपका अच्छी जगह बैठा हो, केंद्र त्रिकोण और लाभ भाव में बैठा हो। और बुध यही छठे आठवें बारहवें भाव में बैठा हो और प्राप्त ग्रह से ग्रस्त हो, तो क्या होगा, फिर वही होगा कि आपकी जो हंसी ठिठोली करने की आदत है वो आदत आपकी नहीं रहेगी, आपका कार्य क्षमता घट जाएगी, क्योंकि बुध जो है वो कार्य क्षमता का कारक है, आप उतना कार्य नहीं कर पाओगे, जल्दी का काम से थक जाओगे, जो वर्किंग कैपेसिटी है उसका कारक बुध ही होता है, तो उसके साथ प्रॉब्लम रहेगी, आपकी वाणी इतनी अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि बुध वाणी का कारक भी है, वाणी भी इतनी अच्छी आपकी नहीं रह पाएगी, ये सब प्रॉब्लम हो सकती हैं अगर आपकी बुध की महादशा चल रही। इसके साथ अगर गुरु की महादशा हो तो गुरु की महादशा में आप धार्मिक बन जाते हैं, आप ज्ञानी बन जाते हैं, परोपकारी काम करते हैं, ब्राह्मणों से आपका सत्संग होता है, आप अपने स्त्री पुत्र का सम्मान करते हैं, आपको सम्मान मिलता है, ज्ञान मिलता है, धन मिलता है, संतान मिलती है, ये सब अच्छा होता है अगर गुरु आपकी कुंडली में वेल प्लेस्ड हो, केंद्र त्रिकोण भाव में हो, लाभ भाव में हो, तो गुरु की दशा में आपको ये सब चीजें बहुत अच्छी मिलती हैं, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके विपरीत अगर गुरु कमजोर है कुंडली में, छठे आठवें बारहवें भाव में है, या राहु केतु से युत है, या मंगल से ग्रस्त है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप ज्ञान की बातें इतनी नहीं कर पाएंगे, आप धार्मिक कार्य से आपका विमुख हो जाएंगे आप, क्योंकि जब गुरु अच्छा होता है तो धार्मिक कार्यों में मन लगता है आपका, तीर्थ यात्रा में आपका मन लगता है, लेकिन फिर आप तीर्थ यात्रा नहीं करना चाहेंगे, धार्मिक यात्राओं या धार्मिक कार्यों में आपका मन नहीं लगेगा, आपको धन की कमी रहेगी, धन आपके पास रुक रुक के आएगा बहुत ज्यादा, इस तरह की प्रॉब्लम आपको होनी शुरू हो जाएंगी और ज्ञान की कमी आपके पास हो जाएगी अगर गुरु की महादशा चल रही है और गुरु आपकी कुंडली में कमजोर है। अब आते हैं शुक्र पे। देखिए शुक्र गुरु जो है वो देवताओं के गुरु हैं और शुक्र जो है वो दैत्यों के गुरु हैं, तो ज्ञान तो दोनों के पास है, शुक्र काम वासना का कारक भी है, शुक्र ज्ञान का कारक भी है। शुक्र अगर आपका अच्छा हो, कुंडली में वेल प्लेस्ड हो, केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में हो, तो क्या होता है, क्योंकि शुक्र काम वासना का कारक है, तो आपका शय्या सुख में बहुत अच्छा आपको सुख मिलता है, शय्या सुख बहुत अच्छा आपको मिलती है, आपकी लाइफ में एक बेफिक्री हो जाती है, मतलब जैसे कहना चाहिए ना, आप कोई भी काम बहुत जल्दी करना चाहते हैं कि यार कोई काम मेरा ये करना शुरू करना है मुझे, तो ये जल्दी से काम खत्म करो, ये वाला ऐसी टेंडेंसी आपकी बन जाती है, बेफिक्री आ जाती है। कहते हैं कि बुढ़ापे में किसी की शुक्र की दशा आ जाए तो वो रंगीन कपड़े पहनना चालू कर देता है, ऐसा भी बोलते हैं, तो और बचपन में किसी की दशा ये शुक्र की आ जाए बच्चे की, जब वो खास तौर से जब वो टीनेजर हो, तो उस केस में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, दोनों चीज उसके इफेक्ट हो सकते हैं। अगर शुक्र बहुत अच्छा है तो उसके इफेक्ट ये होंगे कि उसका पढ़ाई में मन लगेगा तो बहुत अच्छा मन लगेगा, और शुक्र उसका अगर अच्छा नहीं है, वेल प्लेस नहीं है, छठे आठवें बारहवें भाव में है, वाम ग्रहों से ग्रस्त है, तो
उस केस में उसकी पढ़ाई में बहुत बाधा होगी, और अफेयर्स वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है आजकल के जमाने में जो चल रही है बच्चों के साथ, वो प्रॉब्लम बहुत होनी शुरू हो जाती है। तो शुक्र की महादशा में ध्यान भी रखना चाहिए, और शुक्र की महादशा अच्छी भी बहुत होती है, दोनों चीजें इसके अंदर पाई जाती है। शनि की महादशा, अब शनि की महादशा हो तो जातक जो है, शनि जो है वो वात रोग का कारक होता है, और कहते हैं शनि दुख का कारक होता है। तो शनि की महादशा आएगी तो जाहिर सी बात है कि आपको दुख होगा, बीमारी हो सकती है, वात रोग आपको हो सकते हैं, गैस्ट्रिक ट्रबल जिसे बोलते हैं, वो सारी चीजें आपको हो सकती है। लेकिन अब ये फल जब ही मिलेंगे आपको जब शनि आपकी कुंडली में कमजोर है। अब शनि आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है तो आपको ये फल नहीं मिलेंगे। आपकी शनि आपकी कुंडली में अगर आपका केंद्रीय कुंड लाभ भाव में बैठा हुआ है, छठे भाव में है, तो आपको ऐसे फल नहीं मिलेंगे। फिर आपकी शनि आपको अच्छे फल देगा, फिर आपको शनि की महादशा में रोग नहीं होंगे, स्वयं को वात पीड़ा भी नहीं होगी, जो वात पीड़ा आपको हो सकती है वो सब चीजें नहीं होंगी। एग्रीकल्चर खेती वेती में आपका बड़ा मन लगेगा, दुख आपको कम रहेगा, और शनि इसके विपरीत यदि 8वें 12वें भाव में हो, आप ग्रह से ग्रस्त हो, तो वही सारी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, वात रोग हो सकता है, बीमारी हो सकती है, आपका मन किसी काम में नहीं लगेगा, आप आलस से करेंगे, वो सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। तो ये शनि की दशा में ध्यान रखने वाली बातें हैं। किसी प्रकार आती है राहु की महादशा। राहु की महादशा में राजा से, चोर से, विष से, अग्नि से, शस्त्र से भय होता है। राहु की महादशा जब होती है ये थोड़ी सब चीजें रहती हैं, मन में घोर अशांति रहती है, अपमान होता है इंसान का। और राहु यदि अच्छे भाव में प्लेस्ड हो, केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में राहु प्लेस्ड हो, शुभ ग्रहों से ग्रस्त हो या शुभ ग्रह की राशि में हो, तो उस केस में ये सब चीजें नहीं होती। उस केस में इसका विपरीत फल भी मिलता है। उसका विपरीत फल क्या होता है कि आपको धन धान्य की प्राप्ति भी होती है, आपको सुखी सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो ये सब भी कार्य आपके देखे जाते हैं कि राहु वगैरह आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं। लोग राहु का नाम सुनते ही शुरू कर देते हैं कि भाई वो आपको बुरा फल देना स्टार्ट कर देगा, ऐसा नहीं। अगर शुभ ग्रह की राशि में बैठा हो, उत्तम भाव में हो, उत्तम भाव मीन्स केंद्र त्रिकोण और लाभ भाव में हो, तो उसकी महादशा शुभ फल देने वाली होती है। जातक का वैभव राजा के समान हो जाता है, उसके सारे अभीष्ट कार्य सिद्ध होते हैं, वो अपने घर में बड़ा सुखपूर्वक रहता है, उसके पास धन का संचय होता है, पृथ्वी में उसी कीर्ति प्रसिद्ध होती है, ये सब चीजें होती हैं। केतु की महादशा, केतु जो है वो इन्फेक्शन का कारक है, ये हम सब जानते हैं। तो केतु की महादशा हो तो ऐसे में शत्रुओं से, चोरों से, राजा से पीड़ा हो सकती है, राजा से पीड़ा में ना गवर्नमेंट से पीड़ा हो सकती है, शस्त्र से आघात का डर रहता है। कहते हैं कि शनिवत राहु कुजवत केतु, मंगल की तरह होता है, तो आघात का डर भी रहता है, शस्त्र के चीजों से एक्सीडेंट का डर रहता है केतु की महादशा में। इससे वो रोग होते हैं जो इन्फेक्शन से होते हैं, जैसे फोड़े फुंसी हैं या मूर्छा आदि रोग हैं जो इन्फेक्शन से पैदा होते हैं, वो रोग भी केतु की दशा में होने चालू हो जाते हैं, उस आदमी का मन भी चिड़चिड़ा हो जाता है। और कहते हैं कि केतु की दशा में जो ऊपरी हवाओं का असर भी ज्यादा होता है, तो ये भी देखना चाहिए कि केतु आपका उत्तम स्थान में हो, शुभ ग्रह के साथ हो, शुभ ग्रहों से ग्रस्त हो, तो इस तरह की पीड़ा फिर आपको नहीं होगी। और केतु को झंडे का कारक भी माना गया है, यानी केतु कहते हैं कि जिस दल में शामिल हो गया वो दल नहीं छोड़ता, या जिस इंडस्ट्री में आप नौकरी कर रहे हैं वो नौकरी नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको केतु मजबूत है, आप एक बार नौकरी आपने कर ली तो फिर आप नौकरी करते रहेंगे, ऐसा नहीं कि आप हर साल में नौकरी छोड़ के चले जाएं। तो ये सब चीजें केतु की दशा है। तो आशा करता हूं कि आपको ये सब दशा जो मैंने आपको बताई, महादशा, ये सब समझ आई होंगी। और इसमें और बाकी चीज तो फिर मैं आपको आगे बताऊंगा, महादशा अंतरदशा के बारे में। बाकी इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, उसके अलावा रेमेडीज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, उपाय ज्योतिष में। जो लोग इंटरेस्टेड हैं ये नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।